जातीय सुरक्षा सचेतनता अभियान पक्षर् मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय और रेभेन्सा विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग मिलित आनुकूल्य आज देश में गोटे आईन व्यवस्था संपर्क में आलोचना चक्र अनुषित हो आलोचना चक्र में मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कमलजीत सिंह सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी आनंद मिश्र और नूआदिल्ली स्थित जातीय सुरक्षा सचेतनतार उपसभापति डॉक्टर मिथिलेश झा वक्ता भाव में जोगदे सांप्रतिक देश में आईन व्यवस्था तर्जमा करते प्रत्येक नागरिकों पर गोटे देवानी कोर्ट प्रचलन होगा आवश्यक बोली समस्ते मत प्रकाश कर The aim of the deliberation on the Uniform Civil Code, whether that we should have a civil code or whether we should enact a civil code at the earliest, as far as my understanding is concerned, that since the 50% populations of the females and the most sufferer are the females, so we suggest we put a deliberate and we are deliberating upon and we are seeking the deliberation from every quarter of society that whether we should have or we should. समिट अ सजेशन बिफोर द लॉ कमीशन ऑन देखिए ये कार्यक्रम जो है आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि ये आपके भविष्य हैं और इनको जब चीज़ें पता होंगी ये आगे चल के इस बात को उठाएंगे इनको इनके भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं इनका शामिल होना जरूरी है आप कभी भी कोई भी काम कोई भी राष्ट्र तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी आने वाली पीढ़ी उसमें शामिल ना हो आज आपकी नई पीढ़ी शामिल हो रही है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने रेवेन्शा यूनिवर्सिटी लोगों को बुलाया बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया सबको और उनको शामिल किया इसमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका और ये बच्चे आगे बढ़कर इस बात को जब उठाएंगे आपको सबको समझ में आएगा कि अब ये चेंज होना जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान भारत कितने आवश्यकता आउ आवश्यकता नुहे कि यही आम डिबेटा चलती तर्क चलती तबे मु जो फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच तरफ मोर ओपिनियन जब दबाकु चाहिबी ताले आजिका दिन रे निश्चित भाबरे गोटे यूनिफॉर्म सिविल कोड रा आवश्यकता रहिछ जदि आपनकु हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबाकु जमे भी भूलंतु नहीं।